हेलो वेलकम टू न्यू लेसन्स। आई एम आज़ाद और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए माइंडस्केप से एक ब्यूटीफुल प्रोज लेकर जिसका टाइटल है द आइज हैव इट। इसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। इस लेसन को मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करके आसान बनाने की, ताकि इस लेसन को आप अच्छी तरह से समझ के एग्ज़ाम्स में आसानी से क्वेश्चंस को हल कर सकें। आइए शुरू करते हैं। Eyes Have It. This is a beautiful prose written by Ruskin Bond. पहले इसके टाइटल पे बात कर लेते हैं। The Eyes Have It जो टाइटल है ये बहुत सिग्निफिकेंट है और इसमें एक आयरनी छुपी है। बॉन्ड 1934 ईस्वी में पैदा हुए। ही इज़ अ वाइडली रेड राइटर ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु राइट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश लिखने वाले इंडियन ऑरिजिन राइटर्स में से एक हैं वो, और वो बहुत मशहूर हैं। थोड़ा इनके बारे में डिटेल में चलते हैं। इनकी पैदाइश इंडिया में ही हुई है, लेकिन इनकी नस्ल जो है वो ब्रिटिश है। इनके आबा व अजदाद अंग्रेज़ थे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 1947 से पहले अंग्रेज़ी हुकूमत थी, तो उन्हीं अंग्रेज़ एक फैमिली में से ये बिलोंग करते हैं रस्किन बॉन्ड। द सेटिंग फॉर मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज आर हिल्स ऑफ द हिमालयाज। उनकी ज़्यादातर कहानियों में हिमालय पर्वत की पहाड़ियाँ और वादियाँ ही नज़र आती हैं, मिलती हैं। अमंग हिज मोस्ट नोटेबल वर्क्स, उनकी मशहूर किताबों में आर द रूम ऑन द रूफ, द एंग्री रिवर, रेन इन द माउंटेन्स। ये तीन टाइटल्स हैं उनके, तीन किताबों के। उन्होंने बहुत सारी और भी किताबें लिखी हैं, ये तीन उनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, इसीलिए इन तीन का जिक्र किया गया है। इन दिस स्टोरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बॉन्ड एक्सप्लॉइट्स द सिचुएशनल आयरनी। बॉन्ड हमें एक सिचुएशनल आयरनी दिखा रहे हैं अपनी इस कहानी में। वो सिचुएशनल आयरनी क्या है कि जैसे अभी कुछ एक बात हमने सोची और फिर आखिर में जाके या कुछ देर के बाद वो बात बिल्कुल उल्टी साबित हुई। यही है आयरनी, सिचुएशनल आयरनी। दैट ऑरिजिनेट्स बिटवीन टू पीपल, जो दो लोगों के दरमियान पैदा होता है ये सिचुएशनल आयरनी। हु मीट बाय चांस इन रेलवे कंपार्टमेंट, जो कि रेलवे कंपार्टमेंट में इत्तेफाक से मिल जाते हैं। द यंग मैन एंड द गर्ल आर अनअवेयर ऑफ देयर इंडिविजुअल ब्लाइंडनेस। नौजवान आदमी और एक लड़की, ये जो दो लोग हैं जिनके दरमियान ये सिचुएशनल आयरनी ओरिजिनेट होगा, वो दो लोग कौन हैं? द यंग मैन एंड द गर्ल। एक नौजवान आदमी है और एक लड़की है। दे आर अनअवेयर ऑफ देयर इंडिविजुअल ब्लाइंडनेस। वो लोग अनअवेयर हैं, अनजान हैं, नावाकिफ हैं अपने एक दूसरे के अंधेपन से। यानी कि लड़के को लड़की के अंधेपन के बारे में पता नहीं, लड़की लड़के को अंधा नहीं समझती। एंड दे कन्वर्स विथ ईच अदर, और कन्वर्स का मतलब होता है बातचीत करना। दोनों बातचीत करते हैं एक दूसरे से, विथ ईच अदर, फ्रॉम द कन्विक्शन, इस नजरिए से, इस तरह से, इस अंदाज से, दैट बोथ ऑफ देम कैन सी, कि जैसे दोनों ही देख सकते हो। अब आइए टेक्स्ट शुरू करते हैं। आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहना। इस सेंटेंस को जरा मैं सीधा और ईजी कर दूं। मीन्स आई वॉज अलोन इन द ट्रेन कंपार्टमेंट अप टू रोहना। मैं रोहना तक ट्रेन कंपार्टमेंट में अकेला था। इस पूरे सेंटेंस का मतलब यही निकलता है। देन अ गर्ल गॉट इन, यानी कि रोहना में ही एक लड़की चढ़ती है। गेट इन का सेकेंड फॉर्म होता है गॉट इन। गेट इन का मतलब किसी सवारी में चढ़ना। यहाँ ट्रेन कंपार्टमेंट की बात हो रही है, तो ट्रेन कंपार्टमेंट में, ट्रेन के डब्बे में एक लड़की चढ़ती है। द कपल हु सॉ हर ऑफ, जो कपल, कपल यानी कि एक औरत मर्द, जो कपल उसे छोड़ने आए थे। हु सॉ हर ऑफ, सी ऑफ का मतलब होता है किसी को विदा करना, किसी को रुखसत करना, अलविदा कहना। उसका सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है हु सॉ हर ऑफ। जो लोग, जो कपल उसको छोड़ने आए थे, वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स, शायद उसके माँ बाप ही थे। अब उसके साथ सेमीकॉलन देके एक और क्लॉज, एक सेंटेंस जोड़ा हुआ है। दे सीम्ड वेरी एंशियस अबाउट हर कंफर्ट। यहां पर रीजन बताया जा रहा है कि क्यों नैरेटर को, ऑथर को ऐसा लगा कि वो उसके प्रोबेबली हर पेरेंट्स, वो तो श्योरली नहीं कह सकता कि उसके पेरेंट्स ही थे, लेकिन द वे दे सीम्ड वेरी एंग्शियस, द वे दे वर टॉकिंग टू द गर्ल, उस अंदाज से ये लगता है कि वो उसके पेरेंट्स ही थे। बिकॉज दे सीम्ड वेरी एंग्शियस, वो लग रहे थे बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद। एंग्शियस बोलने का मतलब है वरीड, फिक्रमंद, चिंतित, अबाउट हर कंफर्ट, उसके आराम को लेकर। लड़की ठीक से सफ़र करे, उसकी यात्रा जो है आसानी से गुजर जाए, तो उसको लेकर वो बहुत फिक्रमंद नजर आ रहे थे, चिंतित नजर आ रहे थे। एंड द वुमन, और वो औरत, गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, उस औरत ने लड़की को तफसील से, कौन सी औरत, वो जो कपल में से है, जो औरत मर्द उसको छोड़ने आए थे उनमें से जो औरत है, उसने दिया तफसील से इंस्ट्रक्शन, हिदायत, बात समझाई, एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स, एज टू जैसे कि, वेयर टू कीप हर थिंग्स, कहाँ उसके सामान को रखना है, वेन नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज, कब खिड़की से नहीं झांकना है, एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और कैसे बचना है जब आप किसी चीज को अवॉइड करते हैं, मतलब उससे अपने आप को बचाते हैं, कैसे बचना है स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से बात करने से। दे कॉल्ड देयर गुड बाइज, उन लोगों ने अपने गुड बाइज कहे, यानी कि उन लोगों ने विदा कर दिया लड़की को, वो लोग ट्रेन से अब उतरने वाले हैं। एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, उतर गए ट्रेन से, गुड बाय हो गया, सलाम दुआ हो गया, विदा कर दिया, और ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से निकल पड़ी, स्टेशन से छूट गई। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, जैसा कि मैं उस वक्त पूरा अंधा था, पूरी तरह से कुछ दिखाई नहीं देता था। माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, मेरी आंखें सेंसिटिव थी, सिर्फ सेंस कर सकती थी, महसूस कर सकती थी सिर्फ लाइट एंड डार्कनेस, सिर्फ रोशनी और अंधेरा ही, इतना ही समझ पाता था कि वो रोशनी में खड़ा है, बैठा है, या अंधेरे में खड़ा या बैठा है। आई वॉज अनेबल टू टेल, यानी कि अनेबल होना मतलब यू कैन नॉट डू समथिंग इफ यू आर अनेबल, अगर आप अनेबल हैं इसका मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। आई वॉज अनेबल टू टेल मीन्स आई कैन नॉट टेल, आई कुड नॉट टेल, मैं नहीं बता सकता। वॉट द गर्ल लुक्ड लाइक, लड़की कैसी दिखती थी, मैं उस वक्त नहीं बता सकता था क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता था। बट आई न्यू, लेकिन मैं जान गया, शी वोर स्लीपर्स, कि वो चप्पल पहने हुई थी। फ्रॉम द वे, जिस तरह से, जिस तरीके से, दे स्लैप्ड, दे यानी कि स्लीपर्स, उसके हवाई चप्पल स्लीपर्स, स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स, कैसे उसके स्लीपर्स उसकी एड़ियों से टकराते थे। स्लैप में से ऐसे मतलब होता है थप्पड़ मारना, लेकिन वो जो एड़ियों से टकरा रहे हैं उसी को स्लैप कहा जा रहा है। दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स, उसकी एड़ियों से जिस तरह से टकरा रहे थे, उसकी आवाज से इसने समझ लिया, नैरेटर ने जान गया कि वो चप्पल पहने हुए है, स्लीपर्स पहने हुए है। इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक, थोड़ा वक्त लगता उसका लुक मुझे समझने में, पता करने में, जानने में। डिस्कवर मतलब पता करना, किसी बात को जानना, तो मुझे थोड़ा वक्त लगता उसका लुक, उसका हुलिया कि वो कैसी दिखती है, ये समझने जानने में। एंड परहैप्स आई नेवर वुड, या शायद मैं कभी कर भी नहीं पाया। बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस, लेकिन मुझे उसकी आवाज अच्छी लगी। देखिए यहाँ पर आवाज के लिए दो दफा सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर माने के वर्ड्स यूज किए गए हैं, साउंड और वॉइस, जिसको हम हिंदी में दोनों को ही आवाज कहते हैं। लेकिन साउंड किसी भी चीज का साउंड, जिससे आवाज एक धुन पैदा होती है, और वॉइस जो इंसान कहता है उसके बोलने की आवाज, किसी इंसान की आवाज, वॉइस। तो आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस, मुझे उसके बोलने की आवाज अच्छी लगी। एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, और इसको इतनी ज्यादा उसकी हर चीज अच्छी लग रही है कि उसके चप्पलों की आवाज भी उसे अच्छी लगी। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, क्या आप पूरे देहरा तक जा रही हैं, सीधे देहरा तक जा रही हैं? आई आस्क्ड, मैंने सवाल किया, नैरेटर ने एक सवाल कर दिया लड़की से। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर, यकीनन मैं जरूर किसी अंधेरे कोने में बैठा रहा हूंगा। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर, मैं जरूर किसी अंधेरे कोने में बैठा रहा हूंगा। क्यों उसको ऐसा लग रहा है नैरेटर को? बिकॉज माई वॉइस, क्योंकि नैरेटर की आवाज ने स्टार्टल्ड हर, उसे चौंका दिया। स्टार्टल मतलब चौंका देना, शॉक कर देना, किसी को पजल कर देना। तो उसको चौंका दिया, हैरत में डाल दिया। वो चौंक गई, डर गई। शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन, और डर के मारे बिल्कुल कुछ ना कुछ मुंह से एक एक्सक्लेमेशन निकलता है उसके भी निकला। एंड शी सेड, उसके बाद उसने कहा, आई डिडंट नो एनीवन एल्स वाज हियर, मैं नहीं जानती थी कि कोई और भी यहां पहले से मौजूद था। वेल इट ऑफन हैपेंस, जब लड़की ने यह बात कही कि मुझे तो नहीं पता था कि पहले से यहां कोई और है, तो नरेटर कहता है वेल इट ऑफन हैपेंस, कि ये अक्सर होता है, दैट पीपल विद गुड आई साइट, के जो लोग जिनकी नजर अच्छी है, अच्छी नजर रखते हैं, फेल टू सी, यानी कि दे कैन नॉट सी, वो नाकाम हो जाते हैं देखने में, या वो देख नहीं पाते व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम, जो ठीक उनके सामने होता है। जिनकी आंखें अच्छी बनी हैं लेकिन वो ठीक सामने की अपनी चीज को देख नहीं पाते। बिकॉज दे हैव टू मच टू टेक इन, आई सपोज, मुझे लगता है कि शायद उन्हें बहुत कुछ देखना पड़ता है। दे हैव टू मच टू टेक इन, यानी कि अपनी नज़र में बहुत कुछ, आई साइट में बहुत कुछ लेना पड़ता है उनको, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिटेल्स देखने पड़ते हैं। वेयर एज पीपल हु कैन नॉट सी, जबकि वो लोग जो देख नहीं सकते, और सी वेरी लिटिल, या जिनकी दृष्टि बहुत कमज़ोर होती है, जिनकी नज़र, जिनका विज़न बहुत वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है, हैव टू टेक इन ओनली दी एसेंशियल्स, उनको सिर्फ ज़रूरी चीज़ें, हिंट लेना पड़ता है, और वो उस हिंट से ही वो गेस कर लेते हैं, समझ जाते हैं। वट एवर रजिस्टर मोस्ट टेलिंगली ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेस, जो कुछ भी उनके रिमेनिंग सेंसेस से टकराती है, जो कुछ भी उनके रिमेनिंग सेंसेस में आता है, वो उसी से, उसी क्लू निकाल कर और उसी से गेस करके वो समझ जाते हैं चीज़ों को। जबकि जिनकी आंखें अच्छी होने के बावजूद भी कुछ लोग सामने की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, तो ये अक्सर होता है, ऐसा नैरेटर कह रहा है। I didn't see you either, I said. तो फिर मैंने भी कहा, मैंने भी आपको नहीं देखा। But I heard you come in. लेकिन मैंने सुना आप अंदर आई, यानी कि मैंने आपको अंदर आते वक्त सुना कि कोई आ रहा है, मैंने भी नहीं देखा था। I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind. I wondered, मैं सोचने लगा, if I would be able to prevent. अभी मैंने अनेबल और एबल का मतलब समझाया है, यानी कि इसको आप कैन से, कैन नॉट से जोड़ सकते हैं। इफ आई वुड बी एबल, इफ आई कैन प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग, डिस्कवर मतलब पता लगना, पता लगाना, जानना कुछ किसी राज को, किसी हकीकत को, किसी बात को जान जाना जो आपको नहीं पहले से पता थी, तो क्या वो उसे मैं जानने से रोक पाऊंगा, क्या उसको पता लगने से मैं रोक पाऊंगा? दैट आई वॉज ब्लाइंड, कि मैं अंधा था। द नरेटर इज ब्लाइंड, ये अंधापन वो अपना जाहिर नहीं करना चाहता लड़की के सामने। वो सोच रहा है कि क्या मैं उसे रोक पाऊंगा ये जानने से, ये पता लगने से कि मैं अंधा हूं। प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, प्रोवाइडेड का मतलब यहाँ इफ कंडीशनल सेंटेंस है, प्रोवाइडेड करके शर्त यह है कि अगर मैं अपनी सीट से चिपका रहता हूं, आई कीप टू माई सीट, अगर मैं अपनी सीट पर जमा रहूं। आई थॉट, मैंने सोचा, इट शुडंट बी टू डिफिकल्ट, ये ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए मेरे लिए, यानी कि टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड, ये हकीकत को छुपाने में, उसको पता ना लगने देने में मैं शायद कामयाब हो जाऊं। अगर मैं अपनी सीट से चिपका जमा रहूं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए उसको प्रिवेंट करना फ्रॉम डिस्कवरिंग, पता लगने से, दैट आई वॉज ब्लाइंड, के मैं अंधा हूं। द गर्ल सेड, लड़की ने फिर इस बात पर कहा, जब उसने कहा कि मैंने भी आपको नहीं देखा, मैंने आपको आते हुए सुना, तो लड़की ने क्या कहा? पहले वाले सवाल का जवाब दिया, जब उसने पूछा था कि क्या आप देहरा तक जा रही हैं, उसी जवाब दिया, आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, मैं तो सहारनपुर उतर रही हूं। गेट ऑफ सवारी से उतर जाना। माई आंट इज मीटिंग मी देयर, मेरी आंट, मौसी या पुप्पो जो भी कह ले, वो मिलने वाली है मुझे वहां पर, देयर वहां पर, यानी कि सहारनपुर में। देन आई हैड बेटर नॉट गेट टू फैमिलियर, अब इस पे नैरेटर क्या कह रहा है, तब तो भाई बेहतर है मेरे लिए कि मैं ज्यादा जान पहचान न बढ़ाऊं। आई डू नॉट गेट टू फैमिलियर, आई शुड नॉट गेट टू फैमिलियर, मुझे तब फिर ज्यादा फैमिलियर नहीं होना चाहिए। फैमिलियर क्या है? मतलब कि जब आप परिचित हो जाएं किसी से, जान पहचान बढ़ा लें, तो मुझे ज्यादा जान पहचान नहीं बढ़ानी चाहिए, तब तो फिर मेरे लिए यही बेहतर है। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रीचर्स, फॉर्मिडेबल जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल जिसको अवॉइड नहीं कर सकते आप, जिससे बच नहीं सकते। दूसरी जुबान में एकदम सिंपल, आपके समझने के लिए, हमारे समझने के लिए इसको डेंजरस कह सकते हैं। लेकिन इसका डेंजरस एग्जैक्टली इसका फॉर्मेडेबल का मतलब आप मत पकड़िए, लेकिन डेंजरस यहाँ पर कहा जा सकता है। ऑन्ट्स आर यूजुअली डेंजरस क्रिएचर्स, कि ऑन्ट जो है वो बड़ी खतरनाक जीव होती हैं, मखलूक होती हैं या बड़ी खतरनाक होती हैं। ऑन्ट से बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर लड़की उससे कहती है, वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड। उसने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? ऑथर नैरेटर जवाब देता है, टू देहरा एंड देन टू मसूरी, देहरा तक जा रहा हूं और फिर वहां से मसूरी। ओह हाउ लकी यू आर, अरे कितने खुशनसीब हैं आप। आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, मैं भी चाहती थी कि काश मैं भी मसूरी जाती। देखिए आई के साथ यहां पर वर लगा है। नॉर्मली ग्रामेटिकल रूल हम जानते हैं कि पास्ट टेंस में आई के साथ वाज लगता है, आई वाज होता है, आई वाज गोइंग। लेकिन यहाँ वर लगाया, वर उस सेंटेंस में लगाते हैं जहाँ विश या डिज़ायर जाहिर होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में जहाँ पर कोई डिज़ायर है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में डिज़ायर और विश एक्सप्रेस करने के लिए वर यूज करते हैं। आई वर, अगर काश मैं गई होती मसूरी। आई लव द हिल्स, क्योंकि मुझे पहाड़ वादियाँ बड़ी पसंद है, स्पेशली ऑन इन अक्टूबर, खासतौर से अक्टूबर में। यस दिस इज द बेस्ट टाइम, हाँ ये सबसे अच्छा वक्त होता है। अब नैरेटर उसकी बात पर जवाब दे रहा है, हाँ ये सबसे अच्छा वक्त होता है। आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमरीज, मैंने कहा अपनी यादों को दोहराते हुए, बीती हुई बातों को, जो मेमोरी है, जो गुजरे हुए वाकयात हैं, गुजरी हुई बातें हैं, बीती हुई बातें हैं, उनको याद करके। कॉल ऑन का मतलब होता है याद करना, कोई चीज़ बीती हुई है, कोई बात, कोई याददाश्त अपने जहन में लाना। तो उन याददाश्त को अपने जहन में लाते हुए मैंने कहा हाँ ये तो बड़ा अच्छा वक्त होता है। द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डालियाज, पहाड़ ढके रहते हैं, वाइल्ड डालियाज छोटे नन्हे पौधों को कहते हैं जो उस वक्त वहाँ उगे रहते हैं पहाड़ों पर, पहाड़ियों पर। द सन इज डेलिशियस, सूरज भी बड़ा प्लेजेंट रहता है। डिलिशियस यहाँ बोलने का मतलब है बड़ा माइल्ड रहता है, यानी कि वो आपको ज़्यादा जलाता नहीं है, बड़ा प्लेजेंट लगता है। सर्दी का मौसम हल्का हल्की ठंडी से महसूस हो रही है, उसमें आपको अगर सूरज की रोशनी मिले तो बहुत अच्छा महसूस होता है। तो सन इज़ डिलिशियस, सन इज़ प्लेजेंट, सन भी बड़ा प्लेजेंट होता है, बड़ा खुशगवार होता है। एंड एट नाइट, और रात को, यू कैन सिट, आप बैठ सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर, आप लॉग फायर के सामने बैठ सकते हैं। एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी, और थोड़ी सी शराब ब्रांडी पी सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन, ज्यादातर टूरिस्ट जो है वो जा चुके होते हैं। एंड द रोड्स आर क्वाइट, और सड़कें बिल्कुल शांत होती हैं, यानी कि जब ज्यादा उस वहाँ टूरिस्ट आएंगे जाएंगे नहीं, ज्यादा नहीं होंगे, तो सड़कों पर भी ज्यादा गाड़ियां नहीं दिखेंगी। क्वाइट, सड़कें भी क्वाइट लगेंगी, खामोश शांत लगेंगी। एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड, और बिल्कुल वीरान, तकरीबन वीरान सी लगने लगती हैं सड़कें, इतनी खामोश नजर आती हैं, इतनी शांत नजर आती हैं कि लगभग वीरान सी नजर आती हैं। डेजर्टेड मतलब यहाँ पर वीरान। यस अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम, फिर उन बातों को याद करते हुए कहता है नैरेटर कि हाँ अक्टूबर तो सबसे खूबसूरत वक्त, सबसे बढ़िया वक्त होता है, सबसे बेहतरीन वक्त होता है वहाँ ट्रैवल करने के लिए मसूरी में। शी वॉज साइलेंट, वो बिल्कुल खामोश थी जिस दौरान ये तमाम बातें कह रहा है नैरेटर। शी वॉज कंप्लीटली साइलेंट। आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर, मैं डरने लगा, मुझे लगा कि कहीं मेरे अल्फाज ने, मेरे वर्ड्स ने उसको ठेस तो नहीं पहुंचा दिए। और वेदर शी थॉट मी अ रोमांटिक फूल, या कहीं वो मुझे एक रोमांटिक फूल तो नहीं समझ रही कि बस ये वादियों की बातें कर रहा है, लैंडस्केप की बातें कर रहा है, पहाड़ और खूबसूरत ये वो इस तरह की बातें कर रहा है। देन आई मेड आ मिस्टेक, तब मैंने एक गलती कर दी। वो गलती क्या है अकॉर्डिंग टू द नैरेटर, कि ये मिस्टेक था। वट इज इट लाइक आउटसाइड, उसने ये सवाल पूछ लिया कि बाहर का नज़ारा कैसा है। वट इज इट लाइक आउटसाइड, बाहर कैसा है, बाहर दिख कैसा रहा है, बाहर का नज़ारा कैसा है। शी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, उसे शी सीम्ड टू फाइंड को मैं जरा सीधा कर दूं, शी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, उसको कुछ भी इसमें अजूबा नहीं लगा, अनोखा नहीं लगा सवाल में, इस सवाल में जो सवाल उसने पूछा कि बाहर का नज़ारा कैसा है, लड़की को इस सवाल में कुछ अनोखा नहीं लगा। तब उसको लगने लगता है नैरेटर को, हैड शी नोटिस्ड ऑलरेडी, क्या उसको पहले से ही ये पता चल गया, पहले से उसने गौर कर लिया, उसको मालूम पड़ गया दैट आई कुड नॉट सी, कि मुझे दिखाई नहीं देता, मैं देख नहीं सकता, क्या उसको पहले से मालूम हो गया, इसीलिए वो रिएक्ट नहीं कर रही मेरे इस सवाल पे, उसको पता है कि भाई ये तो अंधा है इसीलिए पूछ रहा है बाहर का नज़ारा कैसा है। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स, लेकिन जो डाउट्स, जो शक, जो दुविधाएं मन में पैदा हुई नैरेटर की, वो दूर हो गई उसके अगले ही सवाल के साथ। उसने कहा, वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी आस्क्ड, उसने एक सवाल किया, आप खुद क्यों नहीं देख लेते खिड़की के बाहर। आई मूव्ड इजीली अलोंग द बर्थ, मैं सीट पर, बर्थ पर, जो ट्रेन कंपार्टमेंट में जो सीट होती है जिस पे आप बैठे होते हैं, उस पर जरा सा इजीली, बड़े आराम से, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज, और फील करने लगा, विंडो लेज मतलब उंगलियों के सहारे, हाथों के सहारे छूकर महसूस करने की कोशिश करने लगा, पता करने लगा कि ये किधर है। विंडो लेज, लेज किसको कहते हैं, वो जो फ्रेम होता है विंडो का, उसको कहते हैं विंडो लेज। तो खिड़की पता करने लगा छू कर कि खिड़की कहां पर है। धीरे धीरे द विंडो वॉज ओपन, खिड़की खुली हुई थी। एंड आई फेस्ड इट, जब आप फेस करते हैं किसी को इसका मतलब है कि आपने अपना चेहरा उसकी तरफ किया होता है। तो मैंने अपना चेहरा उसकी तरफ कर लिया, नैरेटर कह रहा है, खिड़की की तरफ। मेकिंग अ प्रिटेंस, ये दिखावा करते हुए, ये जतलाते हुए, ये नाटक करते हुए, क्या, ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, के मैं वादियों की और उन पहाड़ों और जो लैंडस्केप है, जो नज़ारा है, उसको देखने की, कि मैं उसको स्टडी कर रहा हूं, देख रहा हूं बड़े गौर से। ये दिखावा करते हुए उसने अपना चेहरा बस उसकी तरफ, खिड़की की तरफ कर लिया। आई हर्ड द पैंटिंग ऑफ द इंजन, मैंने इंजन की पैंटिंग, हाँपने की आवाज, इंजन तो हाँपता नहीं है, पैंटिंग का मतलब होता है हाँपना, इंजन हाँपता कैसे, वो जो छुक छुक की आवाज है उसी को कह रहा है। आई हर्ड द पैंटिंग ऑफ इंजन, इंजन के आवाज मैंने सुनी। रंबल ऑफ द व्हील्स, यहाँ पहियों की आवाज सुनी, ट्रेन के पहिए की आवाज। एंड इन माई माइंड्स आई, और अपने दिमाग की आंखों में, मन की आंखों में, आई कुड सी, अपने मन की आंखों में आई कुड सी, मैं देख सकता था, मुझे नजर आ रहा था। टेलीग्राफ पोस्ट, टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय, गुजरते हुए, यानी कि जो टेलीग्राफ पोस्ट उसने अपने मन में, उस वक्त टेलीग्राफ चलता था, तो जो टेलीग्राफ पे पोस्ट होता था, कुछ नक्शा बना होता था, कुछ नज़ारा, कोई पिक्चर, तो उस तमाम उसके जहन में घूमने लगा, दौड़ने लगा, और उसी को याद करके वो ये सब बातें अब कहेगा। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, अभी मन की आंखों में वो देखकर ये तमाम चीजें कह रहा है वो, यानी कि अपनी बीती हुई बातों को जो उसने पहले से देख रखा था, अपने पुराने वक्त में जो उसने पहले से टेलीग्राफ पोस्ट में जो नज़ारा, जो फोटो, जो इमेज, जो उसके जहन में बसा हुआ था, उसको अपने जहन में वापस लाते हुए कहता है, और हिम्मत करके कहता, आई वेंचर्ड, मैंने जरा हिम्मत करके कहा। हैव यू नोटिस्ड, कि क्या आपने नोटिस किया, गौर किया, दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग, कि पेड़ लगता है चलते हुए, वो चल रहे हैं, वो चलते हुए नजर आते हैं। वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, जबकि हम, ऐसा लगता है कि स्टिल खड़े हैं, बिल्कुल साकित, एक जगह पर स्थिर। तो ये उसका सवाल है कि क्या आपने गौर किया, क्या कभी हम जब सफ़र कर रहे होते हैं तो ट्रीज ऐसा लगता है कि वो मूव कर रही हैं, वो आगे पीछे बढ़ रही हैं, और हम एक जगह खड़े हैं। तो लड़की कहती है, दैट ऑलवेज हैपन्स, शी सेड, डू यू सी एनिमल्स, तो लड़की जवाब देती है, हाँ ये तो अक्सर होता है। शी सेड, डू यू सी एनिमल्स, फिर वो कहती है कि क्या आपने कोई जानवर देखा, आपको कोई जानवर नजर आ रहा है, तो उस पर वो जवाब देता है बड़ा कॉन्फिडेंटली, नो आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, क्योंकि उसने पहले से भी जो जानकारियां अपने जहन में रखी थी, उसके पास जो जानकारी थी उसके मुताबिक वो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि देयर इज नो एनिमल लेफ्ट, इसलिए उसने बड़ा कॉन्फिडेंटली कहा, नो आई न्यू दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा, देहरा के नजदीक जो जंगल थे उनमें शायद ही, हार्डली, शायद ही कोई जानवर बचा था, इसलिए मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था। एंड दैट इज वाई This is why he answered quite confidently in negation. No Garer कहता है, I turned from the window. मैं खिड़की से मुड़ा and faced the girl और लड़की की तरफ अपना चेहरा कर लिया. And for a while, और कुछ देर के लिए we sat in silence. खामोशी से बैठे रहे हम लोग खामोशी से बैठे रहे. चेहरा कर लिया उस तरफ, कुछ देर खामोशी से बैठे रहे. You have an interesting face. फिर ऑथर ने नरेटर ने कहा, आपका चेहरा बड़ा दिलचस्प है. I remarked, मैंने कहा. I was becoming quite daring. मैं बड़ा हिम्मतवर होता जा रहा था, बहादुर हो रहा था. Daring मतलब हिम्मतवर, बहादुर. तो मैं बड़ा बहादुर होता जा रहा था. But it was a safe remark. लेकिन ये बड़ा सेफ रिमार्क था, यानी कि इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी बात नहीं थी कि सामने वाले को बुरी लग जाए. Few girls can resist flattery. शायद ही कोई लड़की होगी जिसको फ्लैटरी मतलब जो रेजिस्ट कर जाए, जो जिसको पसंद ना आए फ्लैटरी, अच्छी बातें या दूसरी जुबान में कहें चिकनी चुपड़ी बातें, किसी लड़की की तारीफ. शायद ही कोई लड़की होगी जिसको उसको तारीफ पसंद ना हो. फ्यू गर्ल्स बोलने का मतलब है ऑलमोस्ट नो गर्ल कैन रेजिस्ट फ्लैटरी. शायद ही कोई लड़की होगी जिसको फ्लैटरी पसंद ना हो, जो फ्लैटरी पसंद ना करे और जिसको चिकनी चुपड़ी बातें या तारीफ पसंद ना हो. शी लाफ्ड प्लीजेंटली. ये सुनते ही कि जैसे मैंने कहा यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, नरेटर कह रहा है कि जैसे ही नरेटर ने कहा कि आपका तो चेहरा बड़ा दिलचस्प है, शी लाफ्ड प्लीजेंटली. वो बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली प्लीजेंटली हंसने लगी. अ क्लियर रिंगिंग लाफ. इतने जोर से, इतना क्लियर था उसका और उसकी गूंज इतनी थी हंसी की कि जो प्लीजेंट लग रही थी नरेटर को. उसके हर चीज़ की आवाज़ उसको अच्छी लग रही है. हंसने की आवाज़ भी बहुत वो बड़े अच्छे से वो डिफाइन भी कर रहा है, उसने बड़े अच्छे से नोटिस भी किया. It is nice to be told I have an interesting face. It is nice to be told. ये कहना बड़ा अच्छा लगता है कि I have an interesting face. कि मेरा चेहरा बड़ा दिलचस्प है. अब वो बता रही क्यों उसको अच्छा लगता है. It is nice to be told. अच्छा लगता है कि कहा जाना कि चेहरा मेरा बड़ा जो है दिलचस्प है. Because I am tired of people telling me. क्योंकि मैं थक गई हूँ, लोग मुझसे कहते हैं I have a pretty face. के मेरा चेहरा बड़ा खूबसूरत है. Oh, so you do have a pretty face. अच्छा तो आपका चेहरा खूबसूरत भी है. Thought I. मैंने सोचा. अभी अपने मन में सोच रहा, अच्छा मेरा तो काम बन गया. मैं जानना चाहता था कि आपका चेहरा कैसा है, तो आपने खुद ही बता दिया कि आपका pretty face है. And aloud I said. और मैंने फिर जोर से कहा, बुलंद आवाज से कहा, बोल्ड होकर कहा, Well, an interesting face can also be pretty. खैर एक दिलचस्प चेहरा खूबसूरत भी हो सकता है. You are a very gallant young man. इस पे लड़की ने कहा, she said, कि आप बड़े बहादुर आदमी हैं. But why are you so serious? लेकिन आप इतने सीरियस क्यों हैं? आप तो बड़े बहादुर आदमी लगते हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप इतने सीरियस क्यों हैं? वैसे यहाँ गैलेंट का मतलब खुशमिजाज को भी ले सकते हैं कि आप तो बड़े खुशमिजाज इंसान लगते हैं, लेकिन आप इतने सीरियस क्यों हैं? I thought then. And I would try to laugh for her. तब मैंने सोचा कि मैं अब जरा कुछ हंसी मजाक की बातें कर लूँ, कुछ हंस लूँ इसके लिए, so that के वो मेरे बारे में सीरियस ना सोचे, वो ये ना सोचे कि मैं सीरियस हूँ. But the thought of laughter only made me feel troubled and lonely. लेकिन इस ख्याल ने, इस हंसी के ख्याल ने मुझे बस troubled किया, यानी कि मुझे परेशानी में डाल दिया, मुझे अकेला कर दिया. उसने क्या कहा लड़की से फिर, देखिए, वी शैल सून बी एट योर स्टेशन. बहुत जल्द हम आपके स्टेशन पर होंगे. आई सेड, मैंने कहा. नरेटर ने कहा कि अब बहुत जल्द आपका स्टेशन आने वाला है, हम लोग आपके स्टेशन पर होंगे. थैंक गुडनेस इट इज अ शॉर्ट जर्नी. शुक्र है ये छोटी यात्रा है, छोटा सफर है. लड़की कहती है कि शुक्र है कि ये छोटा सफर है. आई कांट बेयर टू सीट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours. क्योंकि मैं बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकती ट्रेन में 2-3 घंटे से ज़्यादा, यानी कि मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा का सफ़र नहीं कर सकती ट्रेन में. येट आई वॉज प्रिपेयर्ड, जिससे नरेटर जो है हम लोगों को, रीडर्स को कह रहा है कि लेकिन मैं तो तैयार था. येट आई वॉज प्रिपेयर्ड, मैं तैयार था, टू सीट बैठने को, देयर वहाँ पर, फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, किसी भी वक्त किसी भी मुद्दत के लिए, यानी कि जितना भी समय लग जाए वो बैठा रहता जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, सिर्फ उसकी बातों को सुनने के लिए। रीजन बता रहा है, देखिए यहाँ पर जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, सिर्फ उसकी बातों को सुनने के लिए। ये बड़ा सिग्निफिकेंट लाइन है, इस पर सवाल बहुत सारे आते हैं। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम। माउंटेन स्ट्रीम क्या है? पहाड़ों से जो झरना, जो नहर बहता है उसे माउंटेन स्ट्रीम कहा जा रहा है। जिस तरह से उसकी चमक, उसकी आवाज, ठीक वैसी ही आवाज उस लड़की की थी। माउंटेन स्ट्रीम की तरह उसी की जैसी चमक उसकी आवाज में उसको महसूस हो रही है। एज सुन एज शी लेफ्ट द ट्रेन, जैसे ही उसने ट्रेन छोड़ा, या ये कंडीशनल सेंटेंस है। शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ इनकाउंटर, जैसे ही वो ट्रेन छोड़ेगी, जैसे ही वो ट्रेन से छूटेगी या वो ट्रेन से उतरेगी, शी वुड फॉरगेट, वो भूल जाएगी, आवर ब्रीफ इनकाउंटर, हमारे ये छोटा सा एनकाउंटर से मुराद ये मीटिंग, ये मुलाकात, ये हमारी छोटी सी मुलाकात को, ब्रीफ यानी कि शॉर्ट मीटिंग को, छोटी सी मुलाकात को वो भूल जाएगी। बट इट वुड स्टे, लड़की तो भूल जाएगी, ये नैरेटर कह रहा है हमें, हमसे। बट इट वुड स्टे, लेकिन ये रहेगा, विद मी, मेरे साथ, फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, पूरे सफर के दौरान ये मेरे साथ रहेगा। क्या वो मेमोरी, वो यादें, वो फीलिंग जो अभी जिसको वे एक्सपीरियंस कर रहा है। एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, और शायद उसके बाद भी। द इंजन्स विसल्ड श्रीक्ड, इंजन की सीटी बजी, गूंजी, यानी कि ट्रेन जब इस पे पहुंचने वाली है स्टेशन में, तो उस वक्त भी एक सीटी बजती है। द कैरेज व्हील्स चेंज्ड साउंड, कैरेज यानी कि वो डिब्बा, डिब्बा के, ट्रेन का जो डब्बा है उसके जो पहिए हैं उनकी आवाज़ बदल गई। एंड द रिदम, उसका रिदम भी बदल गया। एंड द गर्ल गॉट अप, लड़की उठती है। एंड बिगैन टू कलेक्ट हर थिंग्स, और अपने सामान को इकट्ठा करना शुरू करती है। बिगैन टू कलेक्ट, इकट्ठा करना शुरू करती है। आई वंडर्ड, मैं सोचने लगा। इफ शी वोर हर हेयर इन बन, कि क्या उसके बाल जुड़े में हैं, ऐसे बन उससे एक कपड़े नुमा चीज को कहते हैं जिससे बाल का जो जूड़ा है वो ढका होता है। तो क्या उसने बाल को अपना जूड़ा बनाया है? और इफ इट वाज प्लेटेड, या फिर ये चोटी बंधी हुई है। प्लेटेड बोलने का मतलब है चोटी में। परहैप्स इट वाज हैंगिंग लूज, ये शायद ये ऐसे ही खुले बाल हैं, खुला लटक रहा है। हैंगिंग लूज, खुले लटक रहे हैं ये बाल उसके। ओवर हर शोल्डर, उसके कंधों पर। और वाज इट कट वेरी शॉर्ट, या उसके बाल छोटे कटे हुए हैं। ये अब अंदाजा लगा रहा है कि उसके बाल कैसे होंगे, बन में होंगे, प्लेटेड होंगे यानी कि जूड़ा होगा, या फिर चोटी होगी, खुले बाल होंगे, कितना बड़ा होगा, शोल्डर पे लटक रहा होगा कि बहुत छोटे बाल होंगे। द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन, फिर ट्रेन जो है स्टेशन में दाखिल होती है। आउटसाइड, बाहर की तरफ, बाहर की ओर। देयर वाज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स, कुलियों की आवाज, चिल्लाने की, शोर शराबा। एंड द वेंडर्स, और दुकानदारों की शाउटिंग। किसकी? पोर्टर्स एंड वेंडर्स। पोर्टर मतलब कुली, वेंडर मतलब दुकानदार जो वहां पर सामान बेचते हैं। तो दुकानदारों और कुलियों की चिल्लाने की आवाज़, शोर शराबा। एंड हाई पीच्ड फीमेल वॉइस, और एक औरत की आवाज़ जो कि हाई पीच्ड है, बड़ी तेज़ है, एक तेज़ औरत की आवाज़ सुनाई देती है। नियर द कैरेज डोर, दरवाजे के पास में, डब्बे के दरवाजे के पास में एक आवाज़ सुनाई दे रही है। दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट, वो आवाज जरूर जो है गर्ल की, आंट की ही रही होंगी। तभी लड़की कहती है गुड बाय, द गर्ल सेड, लड़की गुड बाय करके उतर जाती है। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, वो बिल्कुल मेरे नजदीक, बहुत नजदीक, वेरी क्लोज, बहुत नजदीक खड़ी थी। सो क्लोज, इतने नजदीक खड़ी थी। दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर, के उसके बालों की खुशबू, उसके बालों से जो खुशबू आ रही है उसको परफ्यूम कहा जा रहा है। फ्रॉम हेयर, उसके बालों से जो आ रही खुशबू थी। दैट वाज टेंटलाइजिंग, वो उसको मदहोश कर रही थी, इतने नज़दीक थी वो कि वो उसको मदहोश कर रही थी, वो बेहोश, मदहोश सा हो रहा था उसकी खुशबू से, बालों की खुशबू से। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड, मैं अपने हाथ उठाना चाहता था। एंड टच हर हेयर, और उसके बालों को छूना चाहता था। बट शी मूव्ड अवे, लेकिन वो आगे बढ़ गई, वो चली गई। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंजर्ड, सिर्फ उसका जो परफ्यूम था, जो खुशबू थी उसके बालों की, वो खुशबू अभी तक उसके उसकी जगह पर जहां वो खड़ी थी, वेयर शी हैड स्टूड, जहां खड़ी थी वहां पर अभी भी मौजूद थी, महसूस की जा सकती थी वो खुशबू, उसके बालों से आने वाली खुशबू, उसकी महक ऑथर नैरेटर महसूस कर सकता था जहां वो खड़ी थी। वो तो चली गई थी। देयर वाज सम कंफ्यूजन इन द डोरवे, डोरवे पे कुछ कंफ्यूजन हुआ, कुछ शायद आमना सामना हो गया। अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट, एक आदमी घुसते समय, दाखिल होते वक्त कंपार्टमेंट में, स्टैमर्ड एन अपॉलॉजी, अपॉलॉजी का मतलब होता है माफी, अपॉलोजाइज मतलब माफी मांगना। तो उसने स्टैमर किया अपॉलॉजी, यानी कि उसने लड़खड़ाते हुए उससे माफी मांगी, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में। देन द डोर बैंक्ड, और फिर दरवाजा तेजी से बंद हो गया, बैंक्ड मतलब तेजी से बंद हो गया। एंड द वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन, और दुनिया फिर से एकदम से बंद हो गई। जब दरवाजा बंद हो गया, सब कुछ बंद है, खिड़की भी, तो बाहर की आवाजें नहीं आएंगी, तो फिर से ये अपने ख्यालात में डूब सकता है। आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं अपने सीट पर वापस आ गया, अपनी जगह पर। द गार्ड ब्लू हिज विसल, अब ट्रेन निकलने के लिए भी सीटी बजती है ट्रेन के स्टेशन पर, तो गार्ड ने सीटी बजाई। एंड वी मूव्ड ऑफ, और हम चल पड़े। वंस अगेन, एक दफा फिर, आई हैड अ गेम टू प्ले, मेरे पास एक खेल था खेलने को। एंड अ न्यू फेलो ट्रैवलर, और एक नया मुसाफिर, नया हम सफर, साथ में सफर करने के लिए, फेलो ट्रैवलर, हम सफर। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, ट्रेन ने स्पीड पकड़ी। एंड द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, और चक्कों ने भी अपना गाना पकड़ लिया, यानी कि उनका भी रिदम शुरू हो गया। जब ट्रेन स्पीड में चलती है तो व्हील्स भी अपने एक रिदम में घूमते हैं। द कैरेज ग्रोन्ड एंड शूक, डब्बा जो है वो राया और हिलने लगा। शेक का सेकंड फॉर्म होता है शूक। तो नॉर्मली जब हाई स्पीड चलता है ट्रेन तो उसमें एक कंपन और एक थरथराहट से महसूस होती है, हमें शेकिंग महसूस होती है, हम हिलते हैं जरा जरा सा। हाई स्पीड ट्रेन अब पकड़ चुकी है। आई फाउंड द विंडो, मुझे खिड़की मिल गई थी। एंड सैट इन फ्रंट ऑफ इट, और मैं इसके सामने बैठ गया था, इन फ्रंट ऑफ इट, इसके सामने। स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट, डे लाइट को ताकते हुए, स्टेयर मतलब ताकना, घूरना, गौर से देखना, किसी चीज को घूरना, स्टेयर का मतलब। स्टेयरिंग ताकते हुए, देखते हुए बड़े गौर से, इनटू द डे लाइट, दिन की रोशनी में, यानी कि धूप में। दैट वाज डार्कनेस फॉर मी, जो कि मेरे लिए तो अंधेरा ही था, क्योंकि वो तो सिर्फ डे लाइट और डार्कनेस को ही फील कर सकता था, बाकी उसको दिखाई कुछ नहीं देता था। सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, बहुत सारी चीजें बाहर खिड़की के हो रही थी। इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम, ये बड़ा दिलचस्प गेम हो सकता था। गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर, के बाहर क्या चल रहा है ये गेस करना, बड़ा ही दिलचस्प गेम हो सकता था। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इन टू माई रेवरी, जो आदमी कंपार्टमेंट में घुसा उसने मेरे ख्याल को, मेरे तस्वूर को, जिस ख्याल में मैं डूबा हुआ था, जिस सपने में मैं डूबा हुआ था, जो ख्वाब मैं देख रहा था जागते हुए, उसको तोड़ दिया। वो उसमें घुस आया, ब्रेक इनटू से बना ब्रोक इनटू, ब्रेक इनटू मतलब जबरदस्ती कहीं पे घुसाना। तो जो आदमी कंपार्टमेंट में घुसा था वो मैं ख्याल में भी घुस गया, ये अपने ख्याल में डूबा है, तस्वूर में, अपने सपने में। जागते हुए जब आप सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, तो उसको रेवरी कहते हैं, डे ड्रीम को, यानी कि आपकी आंखें खुली हैं, आप जगे हुए हैं, लेकिन आप किसी ख्याल में डूबे हैं, कोई ख्वाब सपना देख रहे हैं, उसको रेवरी कहते हैं। तो वो उसके रेवरी में, डे ड्रीम में, सपने में, ख्याल में घुस आया। वो कुछ सोच रहा था, उसको उसने डिस्ट्रैक्ट, डिस्टर्ब कर दिया। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड, उसने कहा कि आप तो बड़े मायूस होंगे। आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट, जो अभी अभी गई उसकी तरह तो मैं आपका हमसफर के तौर पर उतना खूबसूरत, उतना अट्रैक्टिव, उतना आकर्षक तो नहीं हूँ, इससे आप बड़ा डिसअपॉइंट होंगे। यानी कि अभी अभी तो आपको एक खूबसूरत हमसफर से विदाई मिली है, आप इतनी देर एक खूबसूरत हमसफर के साथ सफ़र कर रहे थे, अब वो उतना तो खूबसूरत मैं नहीं हूँ, तो आप तो इससे बड़े मायूस होंगे, ये उसने कहा। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल आई सेड, तो यही जुमला जो उस लड़की को कहा था, इंटरेस्टिंग गर्ल वाला, इंटरेस्टिंग फेस वाला, वही वैसा ही जुमला इसने इस न्यू ट्रैवलर को भी कहा है कि वो बड़ी दिलचस्प लड़की थी। आई सेड कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, कि उसके बाल छोटे थे या लंबे थे, क्या आप मुझे बता सकते हैं। अब इस सवाल को तो उसने पूछ लिया, अब जवाब में देखिए क्या मिलता है। आई डोंट रिमेंबर, मुझे ठीक से याद नहीं, ही सेड साउंडिंग पजल्ड, जरा हैरान होकर उसने कहा। उसकी बातों से, उसके अंदाज से ये लगा कि बड़ा हैरान है, ताज्जुब में है कि ये ऐसी बात क्यों पूछ रहा है। इसने तो उसके साथ खासा वक्त बिताया है, करीबन 2-3 घंटे बिताए हैं, और वो पूछ रहा है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं उसके बाल छोटे थे या लंबे थे, जो कि उससे बस कुछ ही लम्हे के लिए मिला था। तो वो जवाब में कहता है आई डोंट रिमेंबर, मुझे ठीक से याद नहीं। इट वॉज हर आइज, ये उसकी आंखें थीं। आई नोटिस, जो कि मैंने गौर से देखी। नॉट हर हेयर, उसके बाल नहीं। शी हैड ब्यूटिफुल आइज, उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत थीं। बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन वो उसके किसी काम की नहीं थी। शी वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड, वो पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर अंधी थी। डिडेंट यू नोटिस, क्या आपने नोटिस नहीं किया, आपने गौर नहीं किया कि वो अंधी थी। अब यहां पर देखिए सिचुएशनल आयरनी आपको मिलती है। अभी तक नैरेटर क्या समझ रहा था कि वो लड़की आंखों वाली थी, उसका विजन अच्छा था, देख सकती थी, ये अब उससे अपना अंधापन छुपा रहा था। और उसका उलट हुआ, ना वो समझ सकी कि ये अंधा है, ना ये समझ सका कि वो अंधी थी। यही है सिचुएशनल आयरनी, बिल्कुल मुखालिफ होना, हालात का उल्टा पड़ जाना। तो यहाँ स्टोरी एंड हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके बाद आपके मन में कोई डाउट्स नहीं होंगे। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और उनको पढ़ने में आसानी हो। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोज़ और आपके सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप तक मैं आसानी से पहुँचा सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।